नमस्कार, स्वागत है आपका जेजेएन न्यूज में और मैं हूं आपके साथ वैशाली। एक बड़ी खबर सामने आ रही है हल्द्वानी से, जहां शहर में आज एक निजी होटल को सील किया गया है। जी हां, आपको बता दें बैंक ऑफ बड़ौदा की ओर से ये कार्यवाही की गई है, जिसमें हल्द्वानी के नायब तहसीलदार की ओर से भी सहयोग किया गया। दरअसल आपको बता दें ये होटल नैनीताल रोड पर स्थित है, जिसकी ओर से बैंक से लोन लिया गया था, लेकिन होटल मालिक की ओर से बैंक को लोन चुकता नहीं किया गया, के चलते आज बैंक कर्मी मौके पर पहुंचे और सभी दुकान पर ताला लगाकर सील बंद कर कार्यवाही की। आपको बता दें होटल मालिक का 40 करोड़ का लोन था, जो ब्याज के साथ लगभग 52 करोड़ हो चुका था, जिसे चुकाने में होटल मालिक असमर्थ था। इस दौरान जेजेएन ने जब बैंक कर्मी से बात की तो उन्होंने बताया कि लंबे समय से होटल स्वामी की ओर से लोन नहीं दिया जा रहा था। वही कई बार नोटिस देकर होटल संचालक को भी अवगत किया गया, लेकिन बावजूद उसके भी कोई कार्यवाही उनकी ओर से इस नहीं की गई, जिसके फलस्वरूप अब होटल को बैंक कर्मी ने प्रशासन और पुलिस कर्मियों की मौजूदगी में सील कर दिया गया है। वहीं बैंक कर्मी ने बताया कि आने वाले दिनों में इसकी नीलामी भी की जाएगी, साथ ही ये नीलामी ऑनलाइन की जाएगी। इस दौरान बैंक कर्मचारियों के साथ नायब तहसीलदार और पुलिस समेत प्रशासन के कई लोग मौजूद रहे। अभी के लिए इस खबर में इतना ही, बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए जेजेएन न्यूज के साथ। धन्यवाद।